Do you know what's the special thing about 25th December 2020? I know what your answer is, but this video is not about that. Let's get into the video, I will explain you. 25th December 2020 को वो शुभ दिन आ रहा है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था. Just for us. In next few minutes, we will discuss some great principles of Bhagavad Gita and try to understand why we should read Bhagavad Gita. Just before starting the video, I want to tell you this video is just for them who wants to know about life deeply, who wants a solution in life, who wants a ultimate satisfaction, who wants to learn. जिसका काम चल रहा है उसके लिए भगवत गीता नहीं है. अगर आपका चल रहा है so trust me, skip this video. अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना. Now let's get into the video. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल स्टेबिलिटी. इन टूडेज वर्ल्ड जहाँ मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, ह्यूमन बींग की कैपेसिटीज कम होती जा रही है, किसी की लाइफ भी स्टेबल नहीं है, जहाँ टेंशन और डिप्रेशन हमारी लाइफ का हिस्सा सा बन गया है. सो फ्रॉम वेयर द हैप्पीनेस स्टेबिलिटी पॉजिटिविटी कम्स इन आर लाइव्स. वो पॉजिटिविटी हैप्पीनेस धर्म के आधार के बिना कहीं से नहीं आ सकती. हेयर लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. इफ यू आर थिंकिंग यू विल गेट पॉजिटिविटी बाय सर्चिंग इट आउटसाइड, यू विल नेवर. लेट मी एक्सप्लेन व्हाई. पॉजिटिविटी तो आपके अंदर कहीं होती है जो आपको मटेरियल वर्ल्ड नहीं दे सकता है. फॉर दैट यू नीड समथिंग दैट गो डीप इनसाइड यू, मेक योर इनर सेल्फ क्लीन. भगवत गीता आपको वो पॉजिटिविटी देती है. एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो, भगवत गीता इज द फर्स्ट एंड द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच एवर हैपेंड इन द होल एग्जिस्टेंस. इज एज सिंपल एज दैट. पॉजिटिविटी चाहिए तो भगवत गीता खोलो और पढ़ो. भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं उसे सुनने की कोशिश करो. सेकंड प्रिंसिपल लाइफ मैनेजमेंट. गीता इज द बेस्ट सोर्स फॉर मैनेजिंग योर लाइफ. गीता क्या है? इन द इजीएस्ट वर्ड्स, गीता आपकी लाइफ का मैनुअल है. गीता में करने की बात की गई है. गीता आपको बताती है कि इस वर्ल्ड के लिए आपकी क्या ड्यूटीज है. गीता में एक वर्ड है जिसका यूज कॉन्स्टेंटली किया गया है, वो है धर्म. धर्म का मीन्स यहाँ रिलीजन या मजहब से नहीं है. व्हाट्स योर धर्म इन योर कर्म? एज अ डॉक्टर व्हाट्स योर ड्यूटी? एज अ स्टूडेंट व्हाट्स योर ड्यूटी? एज अ टीचर व्हाट्स योर ड्यूटी? And most important, as a human being, what's your duty? Dharma means your duty. आप क्यों हैं यहाँ? आपको करना क्या है यहाँ? गीता सिर्फ बात करती है आपकी. Just make a lot of money and become famous won't give you ultimate satisfaction. You are here for some reason. If your development happened only outside and your inner qualities don't grow, at last result of this journey is pain and regret. But गीता ऐसा होने नहीं देती. गीता is a journey from regret to relief. A journey from confusion to conclusion. Third principle, equally applicable. As Gita says, Sarvabhut Hite Rata means well-being of everyone. Gita सबकी बात करती है. Did you know, Gita में कहीं भी temple या Hindu जैसे words का use नहीं है. Gita तो कहानी है हमारी, हम सबकी. Gita नींव है हमारे जीवन की. जहाँ हम सब बटे हुए हैं, गीता हमें एक करती है. फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, वी आर नॉट इक्वल, वी कांट बी इक्वल, बट देयर इज अ वन प्लेस वेयर वी आर इक्वल. गीता मेक्स अस इक्वल. स्पिरिचुअली वी आर इक्वल. सो आफ्टर दिस लॉन्ग व्हाट वी कंक्लूड, भगवत गीता कुछ कहना चाहती है आपसे. एटलीस्ट कोशिश जरूर करना एक बार सुनने की. आई एम जस्ट सेइंग दिस विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस. कोशिश करने वाले को रास्ता जरूर मिलता है. एंड द हिस्ट्री इज प्रूफ. जिसने भगवत गीता सुनी थी और जो सुनेगा, लाइफ को तो उसी ने जीता है. क्योंकि जहाँ धर्म है जीवन की विजय तो वहीं है. अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड भगवद गीता. इफ यू ऑलरेडी हैव वन, एक्सीलेंट. बट इफ यू वांट टू परचेज इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड चेंज योर लाइफ. सेलिब्रेट दिस गीता जयंती विद द वंडरफुल नॉलेज प्रोवाइडेड बाय श्री भगवान जस्ट फॉर यू एंड मेक्स द डिफरेंस. और जैसा कि मैंने कहा था और कहता रहूंगा, इस समय धर्म को आपकी जरूरत है और धर्म आपकी जरूरत है.